अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी चैप्टर 9 दोहे, और ये दोहे लिखे गए हैं अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। तो दोहा नंबर 1, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निस्कत नाही। इसका अर्थ है जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाने जाते हैं वे मृतक के समान हैं, और वे लोग तो पहले से ही मृतक हैं अर्थात मरे हुए हैं, जो मांगने पर भी साफ इनकार कर देते हैं। दोहा नंबर 2, दोनों रहीम एक से जौलो बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही। इसका अर्थ है कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं, जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। नंबर 3, तरुअल फल नहीं खात है सरवर पियही न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। इसका अर्थ है वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। दोहा नंबर 4, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सो ही साचे मीत। इसका अर्थ है जब आदमी के पास धन दौलत होती है तो लोग तरह तरह के रिश्ते निकाल कर उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संकट पड़ने पर ऐसे सभी लोग भाग खड़े होते हैं। जो संकट काल में भी साथ में डटा रहे वही सच्चा मित्र होता है। दोहा नंबर 5, रहीमन नीज मन की बीथा मन ही राखो गोए, सुनी अठ लय है लोग सब बाटी न लय है कोय। इसका अर्थ है अपने दुख को अपने मन में ही रखनी चाहिए, दूसरों को सुनाने से लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं परंतु दुख को कोई बांटता नहीं है। दोहा नंबर 6, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इसका अर्थ है बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को फेंक नहीं देना चाहिए, सुई जहाँ काम आती है वहाँ तलवार क्या काम देगी। मतलब यह कि सभी का स्थान अपना अपना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो हिंदी के बहुत से वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मैथ्स में कोई भी वर्कशीट करना है तो सारे वर्कशीट के वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।